गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज के मार्केट सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट हल्की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। डाउ जोन्स में करीबन 70 पॉइंट की गिरावट देखी गई। मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, करीबन 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट मिक्स टू नेगेटिव नोट पर ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 10 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। डेटा की बात करें तो कल फिर से कैश मार्केट में एफआईआई ने करीबन 2200 करोड़ की खरीदारी की। वहीं डीआईआई ने सिमिलर मोमेंटम में बिकवाली की है, तो नेट नेट ऑलमोस्ट जीरो इंस्टीट्यूशनल फिगर था। एफएनडब्ल्यू डेटा की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.73 पर रहे, जो थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में है। एफआईआई ने कल इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्टिंग की है, करीबन 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड कवर किए, वहीं 2,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड एड किए हैं। ऑप्शन का डेटा यूजफुल नहीं है बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, लेकिन हम एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं एक स्टेलर रैली के बाद, जब तक 13,530 से 13,390 एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग बैंड है फॉर टाइम बिंग। 530 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13,690 की तरफ, जबकि 13,390 के नीचे जाता है तो हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जहां 13,300 13,150 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेंगे। बैंक निफ्टी में भी सब कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जहां 30,200 से 29,900 इमीडिएट डिमांड जोन है। 29,900 के नीचे फिसलने पर प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां 29,300 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। ऊपर की ओर 30,700 के ऊपर निकल जाता है तो हम फर्दर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 31,000 से 31,500 की तरफ। तो ये था आज का मार्केट सेटअप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।